नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, टॉपिक वही है जो अगला पेपर होने वाला है, उसका तैयारी चल रही है, ठीक है। और बात ऐसा है कि जो पेपर अगला होने वाला है, उससे दो वीडियो पहले से अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल पे। तो दोस्तों, उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि हर एक वीडियो महत्वपूर्ण है कल के परीक्षा के लिए। और ये जो पेपर होने वाला है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, क्योंकि दोस्तों पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें जो प्रश्न बताए थे उससे बहुत सारे प्रश्न फंसे थे, यानी उससे पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो बीच से छोड़कर भागिएगा तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों अधूरा प्यार और अधूरा ज्ञान हमेशा बीच सड़क पर छोड़ देती है और लोग पिट जाते हैं अक्सर। तो क्या करना है आपको, बीच से छोड़कर नहीं भागना है, नहीं तो आप बीच में पड़ जाएंगे, बीच चौरास्ते में पड़ जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, हाँ, जिन छात्रों को PDF चाहिए वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, चैनल डिटेल्स चेक करें, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर दोस्तों, और देखते हैं प्रश्न को, ठीक है। तो दोस्तों, ये है आज के पेपर में और आने वाले संभावित प्रश्न दोस्तों, और प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, कटहल की पैदावार प्रतिवर्ष होती है। तो दोस्तों, कटहल की पैदावार प्रतिवर्ष कितनी होती है दोस्तों, तो आपको उत्तर देना होगा 250 फल प्रति पौधा, यानी एक पौधा में कितने कटहल फलते हैं प्रतिवर्ष, तो करीब 250। और दोस्तों आगे है, भारत के किस राज्य में कटहल सबसे अधिक पैदा होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको देना होगा केरला, ठीक है, या केरल। तो दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप लोगों को एक छोटा ट्रिक बता रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा है हुआ है कटहल, ठीक, और इसका भी उच्चारण है केरल, तो केरल और कटहल का संबंध एक दूसरे से भाई वाला है, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा कटहल भी केरल में होता है, ठीक है। और आगे है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र, जिसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 10,398 हेक्टेयर। कितना है दोस्तों, 10,398 हेक्टेयर है, जो कि महाराष्ट्र का है। और दोस्तों आगे है, अंगूर की उचित तापक्रम, यानी दोस्तों अंगूर की पौधा के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होता है, जिस पर अंगूर जो है अपना जीवन यापन सही से कर सके और सही प्रोडक्शन दे सके। तो दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए पेपर में, तो आपको इसका उत्तर देना होगा 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको सेल्सियस में 46.1 कह सकते हैं, यानी 46.1 डिग्री सेल्सियस या 115 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है अंगूर के लिए उचित और अनुकूलतम तापक्रम माना जाता है दोस्तों। और आगे है दोस्तों, भारतीय उद्यान संस्थान कहाँ है, ठीक है दोस्तों, भारतीय उद्यान संस्थान आपसे पूछा जा रहा है कहाँ है। तो दोस्तों, ये है सहरघट्टा बेंगलोर, सहरघट्टा बेंगलोर में क्या है, भारतीय उद्यान संस्थान, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, आगे लिखा गया है, भोकरी प्रजाति के अंगूरों की पैदावार होती है। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, भोकरी प्रजाति की अंगूरों की पैदावार होती है। तो जो इसका जो होता है भोकरी प्रजाति के अंगूर का उत्पादन, ये 120 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है दोस्तों। इसका प्रोडक्शन जो होता है काफ़ी हाई होता है, वो कितना होता है दोस्तों, 120 क्विंटल से लेकर के 350 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी हो ही जाता है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को देखना भी ज़रूरी है। और दोस्तों आगे चलते हैं, और दोस्तों आगे जाने पर देखिए क्या है, ये है भारत में फलों का क्षेत्रफल 2014-15 में कितना था। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि 2014-15 में भारत में कितने क्षेत्रफल पर फल लगाए गए थे। तो दोस्तों 6110 हेक्टेयर जो है ये उस समय फल लगाया गया था, यानी 6110 हेक्टेयर पर, 110 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 2014-15 में फलों का उत्पादन के लिए खेती किया गया था। और दोस्तों आगे है, NCCD का पूरा नाम, देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। एक बार फिर से सुनिए,
नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट होता है, किसका नाम, तो NCCD का पूरा नाम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे है विटामिन सी की कमी से रोग पैदा होती है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत कॉमन है, तो जितना कॉमन है उतना महत्वपूर्ण भी है दोस्तों, इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जो विटामिन सी की कमी से जो रोग होती है उसको स्कर्वी कहा जाता है, ठीक है। ये रोग उतना खतरनाक है जितना इस प्रश्न को याद करना भी ज़रूरी है। और दोस्तों आगे है, काजू में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो दोस्तों काजू में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 21.2%, यानी काजू में 21.2% प्रोटीन पाई जाती है, और काजू एक प्रोटीन का उत्तम स्रोत भी माना जाता है। और दोस्तों आगे देखिए, आगे है, भारत में 2016-17 में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था, ठीक है। इस तरह से आपसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो 2016-17 का जो आंकड़ा है वो है 3,676.77 हज़ार हेक्टेयर, यानी जो 2014-15 में था दोस्तों कितना था, ये था 6,110 हेक्टेयर, और ये जो 2016-17 का आंकड़ा है इसमें कितना है दोस्तों, ये है आपका 3,676.77, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे है, फल उत्पादन में भारत का स्थान है, तो दोस्तों फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो वो है दूसरा, ठीक है। और एक नंबर पे कौन है दोस्तों, तो वो है चाइना, ठीक है। यानी चाइना जो है दुनिया भर में, दुनिया भर के सभी देशों से ज़्यादा फल उत्पादन करता है, और उसके बाद भारत का स्थान आता है। और दोस्तों आगे है, पुअर मैंस फ्रूट्स किसको बोला जाता है दोस्तों, तो पुअर मैंस फ्रूट्स जो है वो आम को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आम जो है पूरे भारत में सब जगह उपलब्ध होते हैं, सब जगह होते हैं ये, और उसका उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको पुअर मैंस फ्रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आगे है, प्रतिवर्ष में आम के अंतर्गत क्षेत्रफल आते हैं, सॉरी भारतवर्ष में आम के अंतर्गत क्षेत्रफल आते हैं दोस्तों, तो भारतवर्ष में कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आम उगाया जाता है दोस्तों, तो ये इसका सही उत्तर होगा, आपको सही उत्तर देना होगा अगर पेपर में आए तो, 2,262.77 हज़ार हेक्टेयर जो है इतने क्षेत्रफल पर आम को उगाया जाता है। और दोस्तों आगे है, उत्तर प्रदेश में आम की अच्छी प्रजातियाँ पैदा की जाती है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो आम की 300 प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्रजातियों को पैदा किया जाता है ये गलत है, लेकिन आप जानकारी के लिए, आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो उत्तर प्रदेश में करीब 300 प्रजातियों का आम का जो है वो विस्तार है, यानी जो टोटल प्रजातियाँ हैं वो 300 के करीब हैं। और दोस्तों आगे देखिए, आगे का प्रश्न और महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा जा सकता है, आम की अच्छी वृद्धि के लिए तापक्रम होता है, तो दोस्तों आम की अच्छी वृद्धि के लिए तापक्रम कितना होना चाहिए दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट में बात करें तो 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में बात करें दोस्तों तो 24 से 26 डिग्री, या 24 से 26.7 डिग्री सेल्सियस इसके लिए अनुकूलतम या इष्टतम तापमान होता है दोस्तों। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 75 से 80 बताना, और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो आप 24 से 26.7 या 24 से 26 बता सकते हो। और दोस्तों आगे देखिए, आगे है, रत्ना किस्म क्रॉस है, तो दोस्तों जो रत्ना किस्म है वो किसी क्रॉस है दोस्तों, तो ये है नीलम क्रॉस अल्फांसो। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है, सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, रत्ना, तो आपको यहाँ लिख देना है R, और आगे याद करने के लिए आपको बता दूँ ये नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है, इसलिए आप नीलम और अल्फा, एन से नीलम हो गया और ये से अल्फांसो, इसलिए आप इसको RNA लिख दीजिएगा तो आपका उत्तर इसी में निकल जाएगा, ठीक है। जहाँ भी रत्ना का पूछे प्रकार की रत्ना प्रजाति है आम की, इसको किससे क्रॉस कराया गया है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लिख देना है RNA, ठीक है, RNA, ये हो गया दोस्तों। तो ये हो गया रत्ना, जो आपका आम का किस्म है इसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको बता देना है बस नीलम क्रॉस अल्फांसो, ठीक है, RNA बराबर रत्ना किस्म हो गया, बस इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, अमरपाली किसका क्रॉस है दोस्तों, तो अमरपाली जो है वो दशहरी क्रॉस नीलम है, ठीक है, अमरपाली जो आम है इसमें तो कोई ट्रिक नहीं बनाए हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, अमरपाली किस्म जो है आम की, इसको दशहरी को नीलम से क्रॉस करा करके इसको निकाला गया है। और दोस्तों आगे है नीलफांसो, तो दोस्तों नीलफांसो को किससे क्रॉस करा करके बनाया गया है दोस्तों,
तो नीलफांसो को नीलम प्लस अल्फांसो को एक दूसरे से क्लोज करा करके नीलफांसो नामक आम की प्रजाति को विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसको भी याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर नीलफांसो जो है इसको इसको दो भागों में बांट दीजिएगा, तो ये जो हो गया नील यानी हो गया नीलम, और इधर हो गया फांसो यानी ये हो गया अल्फांसो, यानी नीलम क्रॉस अल्फांसो बराबर नीलफांसो। इसका सही उत्तर आप इस तरह से दे सकते हो। और आगे दोस्तों पूछ रहा है मल्लिका किसका क्रॉस है, तो दोस्तों मल्लिका किसका क्रॉस है आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मल्लिका किसका क्रॉस है। और नीलम क्रॉस दशहरी को करेंगे तो ये आपका जो मल्लिका किस्म का आम है वो आपका विकसित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी मल्लिका जो है वो नीलम क्रॉस दशहरी का है, ठीक, यानी नीलम क्रॉस दशहरी बराबर मल्लिका, सीधे तौर पर आप इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों आगे आपसे पूछा जा सकता है आम की बेमौसमी प्रजाति है, तो दोस्तों जो आम की निरंजन है ये प्रजाति ये बेमौसमी प्रजाति है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों आगे है पपीता भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों जो पपीता होता है ये सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे इसको यूपी में तो साधारण तौर पर पपीता ही बोला जाता है, लेकिन बिहार में इसको पपिस्ता भी बोला जाता है, ठीक है। और इसलिए आप जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक पपीता भारत में किस राज्य में होता है दोस्तों, तो आपको सही उत्तर देना होगा गुजरात, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है पपीते का तापक्रम, यानी पपीते का जो है पौधों को उगाने के लिए तापक्रम कितना होना चाहिए दोस्तों, तो पपीता के लिए अधिकतम तापमान जो है वो 43.3 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम ये तापमान हो गया, ठीक है। यानी जो अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम तापमान कितना है दोस्तों, 4.4 यानी 4.4 डिग्री सेल्सियस से नीचा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और 43.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम हो गया। और दोस्तों आगे देखते हैं, दोस्तों आगे है पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों पपीते का प्रवर्धन जो होता है वो बीज द्वारा होता है, क्योंकि दोस्तों पपीता का तो लकड़ी होता नहीं, इसलिए इसका कटिंग बडिंग कुछ नहीं होता, इसका जो पौध प्रवर्धन होता है इसका सीधे बीज से ही होता है, ठीक है। और आगे है दोस्तों, आगे रोपाई से 1.5 महीना पहले पौधा तैयार किया जाता है, दोस्तों जो पपीता होता है उसको उसको नर्सरी में तैयार किया जाता है, तो उसको रोपाई मतलब जब रोपाई का सीजन हो उससे 1.5 महीना पहले बिचड़ा को नर्सरी बेड में डाला जाता है, और इसके बाद 1.5 महीने बाद इसको मुख्य खेत में रोपा जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे आइए, और आगे आने पर आपको मिलेगा 1 साल में पपीते को 3 बार लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी जो पपीता का फसल है उसको साल में 3 बार लगाया जाता है, जो पहला है वो है आपका जुलाई अगस्त, यानी पपीता एक बार जुलाई अगस्त में भी आप लगा सकते हैं, इसको लगाने का सीज़न है प्लांटिंग सीज़न, और जो है इसको आप सितंबर अक्टूबर में भी लगा सकते हो और फरवरी मार्च में भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो जुलाई अगस्त है ये इसके लिए सही होता है क्योंकि इस समय बरसात होता है और इसको जितना नमी चाहिए होता है उतना आसानी से मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप फरवरी में इसको लगाते हैं तो आपको इस पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इस समय गर्मी पड़ने लगती है तो पौधे सूख भी सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप चैनल डिटेल्स चेक कीजिए, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो बताइए कमेंट करके कि हाँ वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो सही है, अगर नहीं समझ में आ रही है, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कॉमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हो, मैं उसका समाधान और उसका उत्तर ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो आप लोग एक एक कमेंट भी जरूर कर दें वीडियो को देख रहे हैं तो, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। और आगे है दोस्तों रोपण अंतर, यानी जो पपीता होता है उसको कितने दूरी पर रोपा जाता है, यानी उसके जो प्लांटेशन डिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 2.5 से 3 मीटर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी पपीता जो होता है उसके रोपण अंतर यानी पौध से पौध और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 से 3 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। और आगे है दोस्तों पूसा नन्हा किस्म के पपीते को 100×100 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया जा सकता है, यानी जो पूसा नन्हा पपीता का एक बहुत विकसित किस्म है जो कि बहुत कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन देता है, इसलिए इसको आप न्यूनतम एक मीटर की दूरी में लगा सकते हैं, यानी पौध से पौध की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 1 ही मीटर होनी चाहिए, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, क्योंकि पूसा नन्हा जो किस्म के पपीता है ये बहुत कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन देता है, ये बहुत विकसित किस्म है इसका। और है दोस्तों आगे सिंचाई
10 से 17 दिन के अंतर पर, यानी इसको इसको जाड़े के दिन में या सर्दी के दिन में 10 से 17 दिन के अंतराल पर पपीते को सींचना चाहिए, और गर्मियों में महज 6 से 8 दिनों पर ही इसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गर्मी में तो साधारण तौर पर दोस्तों हम लोग भी ज़्यादा पानी पीते हैं, ठीक इसी तरह पौधे भी ज़्यादा पानी पीते हैं, इसलिए गर्मी के दिन में इसे 10 से 17 गर्मी के दिन में महज 6 से 8 दिन पर ही सिंचाई किया जाता है, बल्कि जाड़े के या सर्दियों के दिन में इसको 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई किया जाता है। दोस्तों इन प्रश्नों को समझते जाइए, संभव हुआ तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे जब तक आप एग्रीकल्चर से जुड़े हैं दोस्तों। और दोस्तों आगे है सिंचाई, सॉरी सिंचाई वाला तो हो गया, और आगे दोस्तों रोपण के बाद 10 से 14 महीने बाद पके हुए फलों को तोड़ा जाता है। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग में गलत हो गया है, लिखने में गलत हो गया है, तो आपको यहाँ इधर ध्यान नहीं देना है, बस आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना है। रोपण के बाद 10 से 14 महीने बाद फलों को तोड़ा जाता है, यानी 10 से 14 महीनों बाद ये फल जो होते हैं ये पककर तैयार हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जब कब से, जब पौधे रोपाई की जाती है उसके रोपाई के 10 से 10 माह बाद या 10 से 14 महीने के बीच में ये जो होते हैं फल दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे है पेपन, पपीते का पेपन, दोस्तों ये पपीते का पेपन लिखा हुआ है, इसके बारे में जान लीजिए। ये पपीते का पेपन क्या होता है दोस्तों, जो पपीता आप लोग देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे दोस्तों आप लोग, पपीता अगर उसको तोड़ते हैं तो उससे सफ़ेद दूध जैसा निकलता है दोस्तों, तो उसको सुखा करके जो बनाए, उसको सुखाने के बाद उसको पाउडर बनाया जाता है, उसी को पपीते का पेपन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेहिचक कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, और आगे है दोस्तों अनार भारत में सबसे अधिक पैदा किया जाता है। तो दोस्तों अनार जो है वो भारत में सबसे अधिक किस राज्य में पैदा किया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों जो अनार है उसको सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पैदा किया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है दोस्तों। इससे संबंधित एक और प्रश्न दोस्तों, जो NRC फॉर पोमेग्रेनेट जो है, यानी अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान कार्य जो चलता है वो कहाँ पर चलता है दोस्तों, सोलापुर महाराष्ट्र में इस पर राष्ट्रीय अनुसंधान कार्य चलता है दोस्तों, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। NRC फॉर पोमेग्रेनेट कहाँ है दोस्तों, तो सोलापुर महाराष्ट्र में है। और दोस्तों आगे है भारत में अनानास का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों भारत में अनानास का क्षेत्रफल महज 121.09 हज़ार हेक्टेयर ही है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मददगार साबित होने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पे इस तरह के वीडियो आते हैं दोस्तों। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।